हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं मटन रेसिपी, वो भी मिट्टी के मटके में। अभी हम मटन को थोड़ा बड़ा बड़ा है तो हम उसको मीडियम साइज कर देंगे इसी तरह, और मिट्टी के मटके में हम उसको बनाएंगे। यह हमारा मटन कटिंग हो गया। अब हम प्याज काट रहे हैं, उसके बाद अभी सरसों का तेल डालें, कभी हमें उस पर जो जीरा होता है उसको थोड़ा देख के अभी प्याज डाल दिए। अभी इसको थोड़ा भूनना है जिससे वो थोड़ा लाल दिखे। ये देखिए लाल हो गया है, ये हमारा मटन कटिंग हो गया। अभी हम इसमें मटन डालेंगे और इसका अच्छे से मिलाना है। इसी तरह मटके को पकड़ के मिलाना पड़ा, क्या है कि हमारा ये जो चूल्हा बना है ना, तो ईटा का वैसे ही रख के बनाए हैं, इसको पकड़े भूनना पड़ता है। देखिए जो मटन अभी थोड़ा थोड़ा पका हुआ जैसा दिख रहा है, अभी इसमें पेस्ट डालेंगे जो बनाए हैं, अदरक लहसुन मिर्चा हल्दी वगैरह पेस्ट ग्राइंडिंग करके रखे हैं, अभी डाल रहे हैं। ऊपर से थोड़ा जीरा पाउडर और गरम मसाला डाल दिए हैं, इसको अच्छे से मिलाना है। इसी तरह इसको मिला के इसको पकाना है। ये देखिए हमारा मटन रेसिपी बन चुका है। अभी हम इसको थोड़ा सा टमाटर दे देंगे, इसमें टमाटर दे दिए, इसको अच्छे से मिलाना है, भूनना है ये देखिए पकने तक। अभी ये टमाटर जो दिए थे पक चुका है, ग्रेवी भी हो चुका है, तो देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। अभी हम उसको थोड़ा प्लेट में निकालेंगे खाने के लिए, उसके बाद इसको थोड़ा पानी देंगे, पानी दे के इसको 2-3 मिनट बॉईल करेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे मटन के साथ। देखिए बॉयल हो गया, ये हमारा मटन रेसिपी रेडी हो चुका है। अभी इसमें ऊपर हम थोड़ा धनिया दे देंगे ताकि इसका स्वाद और भी अच्छा लगे, और आप लोग को पता है धनिया देने से स्वाद भी और अच्छा लगता है। अभी ये हमारा मटन रेसिपी रेडी हो चुका है, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।